अगर आप एक 55 इंच का टीवी लेना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं और हर ब्रांड यही कहता है कि मेरा टीवी बेस्ट है। मैं आज तीन मेजर ब्रांड्स व्यू सिनेमा टीवी, नोकिया टीवी और एमआई टीवी 4X के 55 इंच के मॉडल को कंपेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि मैं कौन सा लूंगा अगर मैं एक बायर हूं तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं TechTalk एपिसोड नंबर 43 और आज हम एक मेगा कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात डिजाइन की। व्यू सिनेमा टीवी आता है बेजललेस डिजाइन के साथ और इसके साथ आपको मिलता है मेटल का टेबल टॉप स्टैंड। वहीं MI TV 4X थिन बेजल डिज़ाइन के साथ आता है और इसमें आपको प्लास्टिक का टेबल टॉप स्टैंड मिलता है। Nokia TV थिन बेजल डिज़ाइन के साथ आता है और इसके साथ आपको मिलता है मेटल का टेबल टॉप स्टैंड। एंड नो डाउट, Nokia TV टेबल पे रखा हुआ सबसे सुंदर टीवी लगता है। तीनों ही टीवी 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और तीनों का रिफ्रेश रेट 60Hz है। तो व्यू सिनेमा टीवी के 55 इंच के मॉडल के अंदर आपको मिलता है IPS पैनल विद HDR10 एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट। बट इसकी खास बात यह है कि इसकी ब्राइटनेस चली जाती है 500 nits तक एंड दैट इज अमेजिंग। जबकि MI TV 4X के अंदर भी आपको IPS पैनल मिलता है और HDR सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन उसमें डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलती। इसके अंदर आपको मिलता है विविड पिक्चर इंजन और इसकी ब्राइटनेस जाती है 200 nits तक। Nokia TV के अंदर आपको एक ADS पैनल मिलता है जो एक डायरेक्ट LED पैनल होता है, सिमिलर टू IPS पैनल, बट इसमें आपको बेटर कलर रिप्रोडक्शन मिलती है। इसकी ब्राइटनेस जाती है 400 nits तक और इसके अंदर आपको वाइट कलर गैमेट और MEMC टेक्नोलॉजी भी साथ में मिलती है। एंड आई कैन ईजिली से कि Nokia TV का पैनल और उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है। व्यू सिनेमा टीवी और नोकिया टीवी दोनों ही एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड हैं और दोनों के अंदर ही आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है। MI TV 4X के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड 9, बट उसके ऊपर आपको मिलता है शाओमी का अपना पैचवॉल 2 का इंटरफेस। इस पैचवॉल इंटरफेस के अंदर मैंने कई बार बहुत लैग्स नोटिस करे हैं। MI TV 4X के अंदर भी आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है। व्यू सिनेमा टीवी के अंदर आपको मिलता है कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU, जबकि MI TV 4X के अंदर आपको थोड़ा सा पुराना कॉर्टेक्स का A53 CPU मिलता है और माली का 450 GPU मिलता है। Nokia TV के अंदर आपको मिलता है कॉर्टेक्स का A53 क्वाड कोर प्रोसेसर और माली का 450 MP3 GPU। ये वही CPU और GPU हैं जो आपको MI TV 4X के अंदर मिलते हैं। ये प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है जिसकी वजह से Nokia TV बूट अप करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाता है। व्यू सिनेमा टीवी के अंदर आपको मिलती है 1.5GB रैम और 8GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल मेमोरी सिर्फ 4GB के आसपास है। MI TV 4X के अंदर आपको मिलती है 2GB की रैम और 8GB की स्टोरेज और इसके अंदर भी यूजेबल मेमोरी सिर्फ 4GB के आसपास है, जबकि Nokia TV के अंदर आपको मिलती है 2.25GB की रैम और 16GB की स्टोरेज और इसके अंदर आपको इम्प्रेसिव 10GB की स्टोरेज मिलती है फ्री। व्यू सिनेमा टीवी की जो हाईलाइट है वो है उसका ऑडियो सिस्टम। इसके अंदर एक बिल्ट इन साउंड बार लगी है फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स और ट्वीटर्स के साथ और इनका टोटल आउटपुट है 40W। MI TV 4X के अंदर आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है 20W का और दोनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं डॉल्बी ऑडियो को। व्यू सिनेमा टीवी के बिल्ट इन साउंड बार की तरह Nokia TV के अंदर भी आपको बिल्ट इन JBL की फ्रंट फायरिंग साउंड बार मिलती है जिसका टोटल साउंड आउटपुट है 24W और ये डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करती है। एंड नो डाउट, Nokia TV का साउंड आउटपुट तीनों टीवीज में से बेस्ट है। ऑन पेपर चाहे व्यू सिनेमा टीवी का साउंड आउटपुट Nokia TV के साउंड आउटपुट को बीट करता हो, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि Nokia TV के साउंड क्वालिटी इज फार बेटर देन व्यू सिनेमा टीवी और मैं एनी डे Nokia TV को प्रेफर करूंगा साउंड के अंदर। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो तीनों टीवीज के अंदर 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स, 1 एंटेना, 1 एथरनेट, 1 AV इनपुट और 1 SPDIF पोर्ट।
जरूरी बात याद रखने वाली यह है कि व्यू सिनेमा टीवी और नोकिया टीवी के अंदर आपको एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलता है और व्यू सिनेमा टीवी आपको एक हेडफोन जैक भी देता है। व्यू सिनेमा टीवी के अंदर आपको एक ब्लूटूथ 5 प्लस इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन वाला फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें आपको हॉटकीज मिलती है नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम और यूट्यूब की। MiTV 4X के अंदर आपको ब्लूटूथ 4.2 से चलने वाला एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन का रिमोट कंट्रोल मिलता है और इसमें आपको हॉटकीज मिलती है नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम और पैचवॉल की। नोकिया टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 5 से चलने वाला एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको हॉटकीज मिलती है नेटफ्लिक्स की, यूट्यूब की और गूगल म्यूजिक की, और तीनों ही रिमोट कंट्रोल गूगल वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। व्यू सिनेमा टीवी और नोकिया टीवी दोनों ही आपको एक्सेसरीज के अंदर एक पावर कॉर्ड देते हैं, एक टेबल टॉप मेटल स्टैंड देते हैं, एक वॉल माउंट स्टैंड देते हैं और रिमोट कंट्रोल की बैटरीज देते हैं। जबकि MiTV 4X के अंदर आपको सिर्फ मिलती है एक पावर कॉर्ड और प्लास्टिक टेबल टॉप स्टैंड। MiTV 4X की पिक्चर क्वालिटी तीनों में सबसे कमज़ोर है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही एवरेज है और आप एक्सटर्नल साउंड बार लगाए बिना इस टीवी को यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे। इसके इंटरफेस के अंदर पैचवॉल 2 की वजह से बहुत ज़्यादा लैग्स हैं, जो शायद कभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ठीक हो सकें। इसका मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रिमोट कंट्रोल दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल के आगे वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए MiTV 4X इस लिस्ट में थर्ड ही आता है। नोकिया टीवी एक एवरेज यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से चेक करता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है, इसकी ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स तक जाता है, इसकी JBL की साउंड बार से साउंड आउटपुट बहुत ही शानदार आता है, इसके अंदर मेमोरी बहुत ही अच्छी 16 GB की दे रखी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ओल्डर प्रोसेसर और ओल्डर GPU लगा के नोकिया टीवी ने कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग की है। यही सेम CPU और GPU MiTV 4X के अंदर भी मिलता है और उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये कम है। और अगर मैं इसको व्यू सिनेमा टीवी के साथ कंपेयर करूं तो मुझे मेमोरी साइज और थोड़ी सी अच्छी साउंड क्वालिटी के अलावा और कोई मेजर एडवांटेज नोकिया टीवी में नज़र नहीं आता। व्यू सिनेमा टीवी टेक्नोलॉजी और फीचर्स वाइज इन तीनों टीवीज के अंदर मुझे बेस्ट लगा। इसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर और GPU लगा हुआ है, इसकी पिक्चर क्वालिटी तीनों में बेस्ट है, साउंड क्वालिटी नोकिया की बेस्ट है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। आप एक एवरेज रूम साइज के अंदर अगर इसको सुनेंगे तो इससे ज़्यादा साउंड आउटपुट आपको नहीं चाहिए होगा। इसमें अगर जो कमी मुझे लगी और मैं नेटपिक अगर करने लगूँ तो ये है कि इसके अंदर रैम और मेमोरी थोड़ी कम है, लेकिन इसका यूज़र इंटरफेस इतना स्मूथ है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बट एक कमी है कि मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐप्स या गेम्स को डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको देखने के बाद आप अपने लिए एक सही टीवी चुन पाएंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आता रहूँगा और उसको देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए टेक टॉक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।